हेलो डियर ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारी प्रार्थना और दुआ हमेशा यही कि आप लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी का प्यार मेरे साथ है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है और ईश्वर का आशीर्वाद, हनुमान भैया का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और ईश्वर, मैंने ये चीज़ आजमाई है, मतलब जब मैं पूजा पाठ कर रही थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि कुछ होता है, मतलब पूजा पाठ से कुछ होता है। मुझे ये इस बात पे यकीन नहीं होता था और बिल्कुल भी नहीं होता था। प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, प्रॉब्लम्स आया मेरे, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म हो रही है। क्या हुआ है ना कि मैं एक्सपीरियंस मैंने किया इस बात का कि मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ती थी, रोज़ पढ़ती थी। ये मेरे मायके वालों को पता है, मेरे मम्मी को पता है, मतलब मेरे वहाँ पे जितने लोग हैं, भाई बहन माँ पापा सबको पता है मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ती थी और एक माला का जाप करती थी। मतलब अक्टूबर से मैंने जनवरी तक पूरा एक माला का जाप किया था। और क्या हुआ, मतलब फरवरी तक जब मुझे यहाँ आना हुआ था तब माला वहीं पर रख दिया था, मैंने भूल गई थी और मतलब कंटिन्यू नहीं किया। फिर यहाँ पे आई तो बेबी हुआ, मतलब फिर ऐसे, तो फिर हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाया, छोड़ दिया। और लेकिन वो जो मेहनत थी ना मेरी हनुमान चालीसा पढ़ने की, दिन रात एक, मतलब सुबह शाम पढ़ने की, उसका फल ना मुझे आज मिल रहा है, इस टाइम पे मिल रहा है। मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ काम है मेरे, पेंडिंग है, कुछ चीज़ें हैं अभी बाकी, उसको कर लूँ, फिनिश कर लूँ। लोगों से कुछ काम है, उनका सब काम फिनिश कर दूँ तो फिर मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसके पास प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, किसको फेस नहीं करना पड़ता प्रॉब्लम को, बस किसी के पास कम आता है, किसी के पास जो व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, उसको झेलने की शक्ति ज़्यादा होती है। और ईश्वर ना उन्हीं के पास प्रॉब्लम भेजता है, उन्हीं को प्रॉब्लम से फेस करवाता है। और यकीन आप नहीं करेंगे पर मेरे जितने भी काम हो रहे हैं, मेरे काम नहीं, मेरे हस्बैंड के काम, मेरे काम, पता नहीं क्यों हनुमान जी की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। जो जब मैं पूजा करती थी ना तो मैं रोने लगती थी और उस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। और मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रभु मुझसे सब्र करवा रहे हैं। तो आज इस टाइम पे मेरे जितने भी काम हो रहे हैं सब मंगलवार के दिन हो रहे हैं, और ईश्वर की कृपा है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा भी हुआ है मंगलवार के दिन, और मेरे हस्बैंड के जितने काम हो रहे हैं सब मंगलवार के दिन हो रहे हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है जो अब मुझे मिल रही है। और सब्र का फल बहुत मीठा होता है और धीरे धीरे सब ठीक है और हो रहा है। और क्या हुआ है ना कि आज मैं ना आज बहुत दिन से कल मतलब परसों पूरी सब्जी खाया था, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गया था। मेरा हमारा चावल मतलब तहरी बन के तैयार होने वाला है, तो अभी उसको टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे कैसे लग रहा है खाने में। Thank you.
तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी ऊपर छत पे और बैठे बैठे सोच रही थी क्या करूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे बैठी रहती हूँ ना, पहले बैठी रहती थी तो थोड़ा बेबी जब से हुआ था तब से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब जाके सीधा बैठ जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज से योगा स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ठीक रहेगा, योगा करना ठीक रहेगा। ठंडे में जो मतलब थोड़ा सा पेट वगैरह निकला हुआ है ना, तो थोड़ा पेट सही हो जाएगा मेरा। और ठंडी में मतलब इंसान वैसे भी योगा भूल जाता है, थोड़ा सा देर से उठता है सो के तो योगा नहीं हो पाता है। तो अभी गर्मी का मौसम है तो मैंने सोचा योगा स्टार्ट करती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम पे, 5 ही बजे था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 5:10-20 हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा उजाला लग रहा है। और कोई भी नहीं था, कोई भी एक भी इंसान नहीं दिख रहा था ऊपर छत पर। तो मैंने कहा मैं उठ के बैठ के योगा ही कर लेती हूँ। और क्या होता है ना यहाँ पे कि अगर कोई आपको दिखेगा तो आपको मजाक उड़ाएगा। मैंने कहा मजाक उड़ाने से जिसको उड़ाएगा तो उड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे योगा करना है तो करना है। तो मैंने कपालभाति किया और अनुलोम विलोम किया। और ये वाला मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने सिखाया है। मेरी कमर में ना थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था हल्का हल्का, तो इसी वजह से मैं ये वाला योगा कर रही थी। तो बहन ने सिखाया था, तो छोटेरी बहन ने, तो योगा वगैरह वो सब मतलब मुझे सिखाती है, बताती है कि ये चीज़ अगर दर्द रहे तो ये से मतलब इससे मिटने से होता है, इससे करने से ख़त्म होता है। तो वही सब मैं कर रही थी। और सुबह मतलब सुबह उठ के मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया था। अभी आज वीरवार है, आज बृहस्पतिवार है, तो पोछा वगैरह कुछ लगाना नहीं रहता है, बस झाड़ू लगा दो और झाड़ू लगा दो और कपड़े भी ऐसे ही बिना मतलब साबुन के धोने रहते हैं। बाई चांस जैसे बच्चे का कपड़ा हुआ या फिर हस्बैंड का कपड़ा, वो मुझे बाई चांस अगर धोना पड़ता है साबुन से तो फिर मैं धोती हूँ, वरना नहीं। तो मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं था, बस ये जो मैक्सी पैन रखी है इसको धुलना था बस, और कोई कपड़ा नहीं था मेरा फ़िलहाल। मतलब बच्चे का भी नहीं निकलेगा क्योंकि अभी वो सो रहा था, तो मैंने कहा मैं फटाफट कर लेती हूँ जब तक सो रहा है, क्योंकि ठंडा मौसम था तो इसलिए मैं समझ गई थी कि देरी तक का सोएगा। और ऐसा कोई मौसम रहता है तो जाग जाता है, मुझे भी जगा देता है। तो मैंने कहा यही टाइम है योगा करने का, तो मैंने कर लिया। और क्या होता है ना कि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, घर भी खा लो है ना, मतलब 5 से 5:30 मैं खुद को टाइम देती हूँ। आज तो मुश्किल से हाँ 15-15 मिनट के लगभग मैं बैठी थी ऊपर, 10 मिनट तो मैंने योगा किया था, और फिर उसके बाद जो है 5 मिनट तो मेरा ऐसे ही बैठने में इधर उधर देखने में चला गया। तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कोयल वगैरह सब बोल रही थी तो अच्छा लग रहा था देखने में। और क्या हुआ है ना कि कल मैंने जो वीडियो डाला था हनुमान जी का, अपलोड किया था कि हनुमान भैया की वजह से सब हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो हाँ सच में उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। और आप भी आपके जीवन में जरा सी भी कठिनाइयाँ हैं ना, अगर लग रहा है आपको कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप दोनों टाइम बस हाथ मुँह धोल के सुबह नहा के और शाम को हाथ मुँह धुल के कपड़ा बदल के और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यकीन मानिए, यकीन मानिए, आपके साथ अगर आज नहीं अच्छा हो रहा है, कल नहीं अच्छा हो रहा है ना, 2-3 महीने बाद अच्छा नहीं हो रहा है या 4 महीने बाद अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हनुमान जी की कृपा इतनी अच्छी है ना, इतना मतलब अच्छा परिणाम मिलता है हनुमान चालीसा पढ़ने का, मैंने ये देख लिया। तो क्या है ना, मेरे जीवन में सारे जो काम हो रहा है सब मंगल मंगलवार को, भगवान करे कि नज़र ना लगे किसी की। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा बेटा चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे मोबाइल दो, आजकल के बच्चे भी बहुत अजीब हैं। तो मैं उसको मोबाइल नहीं देती हूँ, बैक कैमरा से जो शूट करना रहता है शूट करती हूँ, बाई चांस या फिर ब्राइटनेस धीमी करके मार देंगे तुमको। तो आप मेरे चैनल पर हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चा बहुत मेरा रो रहा है।